आत्महत्या के सामने कभी नहीं की होगी। अभी सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अगर संविधान ना होता तो हम नहीं होगी, चप्पल मारने की वो बात पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन हमें खुशी है कि संत कवि नगर के जनप्रतिनिधियों ने वो अपनी हसरत पूरी कर ली और एक जनप्रतिनिधि ने दूसरे जनप्रतिनिधि को एक के जूते की सलामी दी थी, आपने टीवी पर देखा होगा। बताओ एक के जूते की सलामी हुई थी कि नहीं हुई थी? पत्रकार साथी ने बोला कि वो 21 नहीं थे 12 के। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा के राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिमाग से राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये दिलों से गठबंधन है। ये जो भ्रष्टाचार और नाकाम और मिलावटी गठबंधन कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ, मुझे डिक्शनरी में वो शब्द नहीं मिला। अगर तीन दल वाला मिलावट वाला गठबंधन है तो 38 दलों से ज्यादा वाला कौन सी मिलावट का है? ये तो मिलावट के बाद मिलावट, फिर मिलावट, फिर मिलावट, कितनी मिलावट है भारतीय जनता पार्टी में, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कहते हैं मुझे अली चाहिए, बजरंगबली चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। जयप्रदा पर एक बड़ा वार किया उन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव कल है, मतदान इस बात के लिए होगा कि किसान की तरक्की खुशहाली के लिए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, नौजवान रोजगार पाएगा कि नहीं पाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज खेतों में गन्ना खड़ा है, कुछ तो पैसा दिया चीनी मिलों ने, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे चीनी मिलों ने अभी भी पैसा बकाया नहीं दिया। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया भोपाल से, आपने बात कही है, क्या चीज सरकार आने पर 3000 पेंशन देगी, हां हां, किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी से? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा हमारे पत्रकार साथी ने, क्योंकि ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि अगर आप ये बात कह रहे हो तो पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया महीने दे रही थी,